हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के बारे में अब देखिए मैं कहीं जा रहा हूं और देखिए जैसे ही इन्फॉर्मेशन मुझे लगा यार इस वीडियो को बना देना चाहिए तो यार अब तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है देखिए आपके लिए मैं कितनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब देखिए जो नई इमजेज आई हैं वो ओल्ड इमेज से बहुत ज़्यादा अलग है मतलब यहाँ पे न्यू इमेज में क्लियरली कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है और यार काफ़ी ज़्यादा अलग है मतलब रॉयल इनफील्ड वाला प्रोफाइल तो नजर आ ही नहीं रहा है मतलब थोड़ा बहुत है टच है रॉयल फील्ड वाला लेकिन कंप्लीटली एक नया पैकेज नजर आ रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से जब मैं रॉयल इनफील्ड की सबसे अलग बाइक के बारे में बात करता हूं तो मेरी नज़र में सिर्फ हिमालयन आती है लेकिन भैया ये हिमालयन से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है अब मुझे काफ़ी हद तक मतलब ये जो फाइनल प्रोफाइल बन के आया है सामने मतलब फाइनली समझ लीजिए तो भाई ये चीज़ समझ आ चुकी है कि क्लियरली कंपनी इससे टीनेजर्स को टारगेट करना चाहती है वो वाले टीनेजर्स जो बेसिकली के हो गया एम टी हो गया इस तरीके की बाइक्स लेना पसंद करते हैं हंटर की बात करूँ तो हंटर स्लीक है स्पोर्टी और साथ ही साथ एथलेटिक प्रोफाइल के साथ आपको मिलने वाली है यहाँ पे आपको शॉर्ट फेंडर्स मिलेंगे जो चॉप्ड किए हुए लगते हैं और स्लिमर फ्यूल टैंक मिलेगा अब ये जो पुराना हमने फ्यूल टैंक देखा था साथ ही साथ आपको ओल्ड इमेजेस भी सामने आ रही होंगी तो भैया पुरानी इमेजेस से जो नया इमेजेस में फ्यूल टैंक नज़र आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि स्लिमर फ्यूल टैंक यहाँ पर रखा गया है सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पोर्टी सिंगल पीस सीट मिलने वाली है अब ओल्ड वाली जो सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी और यहाँ पर जो इमेज में सीट नज़र आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब Uh, कर्व के साथ मिली है जो फ्रंट अगर राइडर की मैं बात करूं तो वहां पे एक तगड़ा सा आपको कर्व देखने को मिल जाता होगा और ये कर्व देने का मतलब साफ सा है कि यहां पे जो सिटिंग हाइट है उसको काफी ज्यादा कम रखने की कोशिश की जा रही है अब ऐसा क्यों किया जा रहा है देखिए रॉयल इनफील्ड ने काफी टाइम पहले एक सर्वे कराया था ज्यादातर टीनेजर्स के लिए यह सर्वे कराया गया था क्योंकि कंपनी एक टीनेजर्स के लिए एक बाइक बना रही थी जहां पर लड़कियां भी इंक्लूड होती हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई थी सर्वे में वो ये आई थी कि टीनेजर्स चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड की बाइक तो लेना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि सीट हाइट कम हो आपको पता ही नॉर्मली

आगे बात करें तो यहाँ पर आपको विंडस्क्रीन नहीं मिलने वाला है अच्छी बात है विंडस्क्रीन स्क्रीन की यहाँ तो मुझे अच्छी लगने वाली नहीं थी ये एग्जॉस्ट काफी शॉर्ट रखा गया है अब देखिए जितनी भी रॉयल फील्ड की हम बाइक्स देखते हैं साथ काफ़ी लंबे चौड़े एग्जॉस्ट नजर आते हैं लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्ट काफी छोटा रखा गया है अब इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको सिटी में स्ट्रीट्स में तो काफ़ी कंफर्टेबली चला ही सकते हैं क्योंकि उसी तरीके से इसको बनाया जा रहा है और साथ ही साथ लॉन्ग ड्राइव्स भी आप इजीली इससे कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव से याद आया कि 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड पे इसको चलते हुए पहले भी स्पाइक किया जा चुका है तो यानी 120 की टॉप स्पीड है तो यार ऑब्वियसली बात है लॉन्ग ड्राइव में तो काफी मजा आने वाला है कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा मतलब ईजी टू राइड बना देते हैं सिटी और स्ट्रीट्स में जैसे इसमें आपको वाइड हैंडल बार मिलने वाला है सेंट्रली माउंटेड फूड पैक्स मिलने वाले हैं लो सीट हाइट मिलने वाली अब ये तीनों चीज़ों को मिला के ना मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि सिटीज़ में चलाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इसमें अब यहाँ पे रॉयल इन्फील्ड का सिग्नेचर स्टाइल तो आपको मिलने ही वाला है लेकिन कुछ अलग तरीके से तो यहाँ पे आपको राउंड हेडलैम्प मिल जाएंगे राउंड रेयर व्यू मिरर्स मिल जाएंगे जो आर का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो शो कर रहे हैं साथ ही साथ इंजन की बात करूं तो इंजन वही मिलने वाला है जो आपको मेट्योर और नई वाली क्लासिक में मिलता है यानी थ्री फिफ्टी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाला है ट्वेंटी पॉइंट टू बी की पावर देगा 27 सेवन मीटर का आपको टॉर्क देगा और पांच गियर आपको मिलने वाले हैं बात करूं कंपटीशन की भैया कंपटीशन इसका सीधे तौर पर रहने वाला है सी बी थ्री से और यच डी स्क्रैम से लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि भैया इसका प्राइस इनसे मतलब स्टार्टिंग प्राइस है इसका वो थोड़ा सा आपका इन दोनों बाइकों से कम रहेगा बेसिकली ये एक के करीब करीब शुरू हो जाएगी एक्शोरूम कीमत और ये जो आपकी स्क्रैम हो गया या फिर आपकी सी बी थ्री फिफ्टी है ये अराउंड अराउंड दो के आसपास पड़ जाती हैं तो अराउंड थोड़ा सा प्राइस का आपको फर्क देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत और समाप्त करते हैं कोई भी आपके पास एक्सीडेंटल वीडियो हो तो आप मेरे चैनल यानी इंस्टाग्राम के आई में शेयर कर सकते हैं और साथ साथ ई मेल आई भी शेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम